सल्लल्लाहु की उम्मत में है अल्लाह तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तवसुल से माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं का दरोज़र फरमा, हमारे साथ आफ़ दरोज़र का मामला फरमा, सहलत और नरमी का मामला फरमा, सत्तारी और गफ्फारी का मामला फरमा, मौला करीम हक को गालिब फरमा, ए अल्लाह बातिल को मग़लूब फरमा, बातिल के तमाम फितनों से हम सब को पूरी इंसानियत को महफूज फरमा, ए अल्लाह हम सब को नेक और एक बना, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, अल्लाह पूरी इंसानियत के तौर से इंसानियत की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, मौला करीम इससे अल्लाह सुहेल भाई जिससे अल्लाह इरादे से जिस नीयत से आए हैं अल्लाह उसके अंदर अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमा, अल्लाह उसके अंदर आने वाली रुकावटों को ख़त्म फरमा, अल्लाह हासिदीन के हसद से शरीर लोगों की शरारत से अल्लाह बुरे लोगों की बुराई से हमारी और हमारी पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमें मांगने नहीं आता बिन मांगे अता फरमा, हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए ए अल्लाह खुसूसन हम लोग जितने यहाँ जमा हुए हैं हमारे लिए तेरी तरफ से जो बेहतर से बेहतर फ़ैसला है वो अता फरमा, मौला करीम हम लोग जितने यहाँ जमा हुए हैं हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, हमारे अल्लाह मरहूमीन की बख्शिश फरमा, ए अल्लाह हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब की मगफिरत फरमा, हम सब को सेहत कामिला आजला दायमा नसीब फरमा, मौला करीम हम इस जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की गैब के ख़जाने से अदायगी का असबाब मुहैया फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद नसीब फरमा, ए अल्लाह हम में से जिसका वक्त आए ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाना, कलमे वाली मौत नसीब फरमाना, अचानक हादसों से हम सब की अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाना, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में, मैं मुर्ती शर्मा। इस समय रमज़ान के पाक महीने चल रहे हैं और आपको कुंजवानी वाली ज़्यारत में माथा टिकाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं ताकि आप लोग भी यहाँ पर दर्शन कर सकें।
आज ज्यारत में माथा टेका गया है। रमज़ान के पाक महीनों में देखा जा रहा है या बैसाखी का त्यौहार है आज इसलिए आया है गया है या किस तरीके से? नवरात्रे, बैसाखी और रमज़ान, जब भगवान खुदा सब चाहता है कि हम सब जितने भी पावन दिन हैं इकट्ठे मनाएं, और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से बना है और उसके ज़ेरे क़यादत में जितनी भी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, ख़ासकर पीर बाबाज हैं, उनको भी रिव्यू किया जा रहा है और यहाँ मन्नतें और मुरादें भी मांगी जा रही हैं। देखना यह है कि जब का जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है, हम कितना बेहतर और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का स्थान है या हिंदुओं का स्थान है। भी मेरे भाई यहाँ चादर चढ़ा रहे थे, मेरी बहन ने, सबको ऐसा फैब्रिक को मजबूत करना है जिससे कि कोई भी अनासर हम सबके प्यार को, मोहब्बत को, आपसी रवादारी को तोड़ ना सके। और उसका सबसे बड़ा जो रोल मॉडल्स हैं वो हमारी ज्यारतें हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जो दर्शाती हैं कि हम सब एक हैं। घरों में पूजिए, लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ। और जितनी भी श्राइन्स जम्मू कश्मीर और करगिल तक हैं, हम सबका रख रखाव ठीक करेंगे और अपने वक्फ के स्टाफ के साथ आप सबके नौकर हैं 24 घंटे, और जो भी खिदमत होगी हमारे फोन्स ओपन हैं, आप कोई भी सुजेशन देगी उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और भी ज्यारतों में गए, कहाँ लगा कि क्या ठीक होने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाली हैं, क्या परेशानियां हैं जो ठीक की जा सकती? रति मैम, हर इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कोई नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो जो भी जेन्युइन ग्रीवेंसीज हैं जहाँ जहाँ भी, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो स्टाफ है वक्फ का बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है, इनका बड़ा अपना 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। इनको इनकी सजेशंस भी लेंगे, जो यहाँ के गदी नशीन हैं, जो यहाँ के मौलाना हजरात हैं, उनको भी सुनेंगे, और जो हेल्प गवर्नमेंट से होगी, वक्फ से होगी, वो करके इन सब श्राइन्स को एक रोल मॉडल श्राइन्स बनाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर सूफी संतों की ज़मीन है, मंदिरों का शहर है और ज़ियारतों का शहर है। हम ये पूरे दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे अपने 5 साल के काम करके, और आप देखेंगे इंशाल्लाह दुआएं हमेशा काम आती हैं किसी भी स्टेट को फ्लोरिश करने में। थैंक यू वेरी मच। तो ये ज़ियारत है, दोबारा से आपको एक बार सिर्फ विजुअल्स में, क्योंकि इसमें आपको मेरी आवाज़ सुनना पसंद नहीं भी आ सकता है, तो सिर्फ विजुअल्स के ज़रिए आप ज़ियारत में माथा टेक सकते हैं। और अभी के लिए मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। आप ज़ियारत को, मैं रोहित जी से बोलूँगी एक बार दोबारा से पूरी की पूरी ज़ियारत आपको दिखाने की कोशिश की जाए ताकि आप लोग यहाँ पर दर्शन कर सकें।